पार्टी की तैयारी है, देख रहे हैं। सरप्राइज पार्टी थी और सरप्राइज होने वाली थी, तब मेरे को पता चल गया कि बर्थडे पार्टी हो रही है, तो बस अंदर जाने की देर है। एंड पार्टी अभी जवान है या रात जवान है, लेट्स सी कौन कौन आता है, मुझे पता भी नहीं कौन आने वाला है। विश कुछ नहीं है, बस सब काम हो, पीस हो और वर्क अच्छा हो हमेशा, एंड जैसे हम करते आए हैं अभी तक, आगे भी वैसे ही करेंगे। दोस्तों के साथ रहना है, घुल मिल के रहना है, बस वैसा ही है। सफ़र तो बहुत ही मतलब अलग अलग मेरे वर्ल्ड्स रहे हैं, फ्रॉम एक्टिंग टू होस्टिंग टू सेट डिज़ाइनिंग, अब डायरेक्शन का दौर आया है, तो अलग अलग मतलब यू नो मेरे लाइफ के एक एक हर 10 साल में कुछ चेंज आता है, तो अभी ये डायरेक्शन का चेंज है और उस हिसाब से मैं एंजॉयमेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पिक्चर की तैयारी हो रही है और बस उसी में लगे पड़े हैं। बस अभी जो नेक्स्ट पिक्चर है वो तो सबको पता ही है, इट्स कॉल्ड 5 और वो रिलीज डेट आ गई है, लेकिन कब शूट करने वाले हैं वो जून जुलाई में वो है, तो टाइम है, उस पर काम चल रहा है एंड स्क्रिप्ट लिखी जा रही है और रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, गाने की रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं, तो वो सब भी जा रही है। ओह आई मीन आई लव दिवाली एंड आई लव कलर्स, सब जगह जो नॉइज़ होती है ना दशहरा की, वो बहुत अच्छा लगता है। यू नो इट्स लाइक हम ऑफिस में भी बैठे हैं ऊपर, ऑफिस में पीछे से सब ढोल वोल बज रहा है नवरात्रि की, यू नो पुरानी यादें जागरण हो जाती है कि जब हम जाके खेलते थे, आजकल तो नहीं खेलते पर पहले हमेशा डांडिया खेलते थे, गरबा खेलते थे जब 12-1 बजे तक चलता था, तो कलर्स आई लव सेलिब्रेशन, और ऑब्वियसली दिवाली आ रही है तो जम के मनाएंगे।